हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में। ठीक है, सो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, बट इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं और इस साल भी बनने के चांसेस हैं। 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है आपका। ओके, सो पहले तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आखिर ये चैप्टर है क्या। नॉर्मली हम लोग जानते हैं ना, हर कंपनियां बड़ी तो नहीं हो सकती अचानक से, तो स्टार्टिंग होता है कहाँ से, कहीं ना कहीं बेसिक से स्टार्ट किया होगा, किसी ने छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया होगा। अब ये बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते करते पता चला जब तक ये बड़े ही लेवल तक पहुँचेगी तब तक जो कंपनियाँ बड़े लेवल पर हैं वो तो इनका बैंड बजा चुकी होंगी, या फिर छोटी कंपनी है तो बोल सकते हैं इसके पास कम पैसा होगा, कम यूटिलाइजेशन होगा, मतलब कम पैसा है तो बेचारा कम ही उधार दे पाएगा, है ना, उधारी जो सर्विस है पूरा तो दे नहीं पाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ये चीज़ छोटी कंपनियों के साथ, अगर छोटा छोटा बिजनेस में लोग उधार लेके बैठ जाएंगे तो आखिर वो कंपनी अपना बिजनेस कैसे चलाएंगी, प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ के लिए ये एक्ट आया है ताकि जो भी कंपनियां, छोटी कंपनियां, जो भी बिजनेस एंटरप्राइज बोल सकते हैं, जो भी एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज है उनके लिए ये सिस्टम लाया गया ताकि भैया एक बेस्ट सिस्टम निकाला जाए। एंड इस सिस्टम के साथ जो भी छोटी कंपनियां, उनको उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनको हम लोग बचा सकें। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर एकदम। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट दिखाता हूँ, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है बट आई थिंक दिखा देना चाहिए। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो एक काम कर सकते हो, ये वाला PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड नॉइज़ थोड़ा होगा, आई नो दैट, क्योंकि दिन का जिस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा नॉइज़ होगा एंड प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। सो नॉर्मली हम लोग MSME स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज जो है, इनके बारे में एक बार इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इंडिया के इकोनॉमी पे इनका क्या कंट्रीब्यूशन पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट 8% ऑफ द कंट्री GDP, हमारे GDP में 8% इनका कंट्रीब्यूशन होता है, और मैन्युफैक्चरिंग करती है 40% ऑफ एक्सपोर्ट, जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं मतलब टोटल 40% इनका ही योगदान है। 60 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो अगर इन कंपनियों का बैंड बच जाता है, इन कंपनियों का जो दिवाला निकलने लगता है तो फिर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ये एक्ट लेकर आया गया ताकि जो छोटी कंपनियां उनके राइट्स को हम लोग बचा सकें। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले वो देख लेते हैं। लेविटी ऑफ बायर, अभी तक नॉइस नहीं हो रहा था, अभी जब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तभी से लोग नॉइस करना स्टार्ट कर दिए। क्या दिख रहा है, खूब दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप डाउनलोड ये कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड PDF से काम चला सकते हो। ठीक है, इतना दिख जाएगा कि आप समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला गया है कि भैया अगर कोई भी सप्लायर, अगर कोई भी सामान सप्लाई करता है, सप्लायर गुड्स को सप्लाई कर देता है, तो वो पैसा क्या होना चाहिए, मतलब उसका पैसा तो टाइम पे मिल जाना चाहिए ना, मतलब जो सप्लायर है, जो स्मॉल एंटरप्राइज है, उसका पैसा तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर क्या होता है भैया, यहाँ देखो, बायर शैल मेक पेमेंट देयर ऑफ, बायर को पेमेंट करना चाहिए बिफोर एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम, जो भी टाइम उनके बीच में डिसाइड हुआ है। से जो सप्लायर है वो बोल दिया कि भैया एक हफ्ते के अंदर पैसा दे देना, अगर सेलर दे बायर दे देता तो अच्छी बात है, अगर नहीं पे करता तो एंड द सप्लायर इन राइटिंग वेयर देर इज़ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मीन्स कोई एग्रीमेंट नहीं बना कि एक हफ्ते के अंदर पैसा पे करना है, दो हफ्ते के अंदर पैसा पे करना है, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनता है, इन नो केस, कोई भी केस में, मतलब अगर ये दोनों केस नहीं है, मतलब मैंने एग्रीमेंट कर लिया तो भैया उतने दिन के अंदर पेमेंट करना है, एग्रीमेंट का भी एक टाइम लिमिट दिखाएंगे कि एग्रीमेंट का भी एक टाइम लिमिट है, उससे ज़्यादा हम नहीं टाइम दे सकते हैं। तो एग्रीमेंट कर लिए एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के अंदर हमको पेमेंट मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर एग्रीमेंट भी नहीं करते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि भैया एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो अपॉइंटेड डे, एक वर्ड मिलेगा अभी हम लोग को कुछ देर में, इसका डेफिनेशन मैं दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपॉइंटेड डे। इस डे के दिन अपॉइंटेड डे, इस डे के दिन आपको पेमेंट करना, उससे पहले ही पेमेंट कर देना होगा अपॉइंटेड। ठीक है, हाउएवर इन किसी भी केस में 45 डेज, मिल रहा वर्ड 45 डेज से ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते हो,
ये एक्ट के अंदर लिख दिया है, मीन्स एग्रीमेंट भी करोगे तो 45,000 आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आज मेरे पास, इसी क्वालिटी को एडजस्ट करना होगा आज के दिन। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिस दिन सामान एक्चुअली में डिलीवर हो गया है, जिस दिन सामान एक्चुअली में हम दे दिए या फिर जिस दिन सर्विस प्रोवाइड कर दिए, इन दोनों दिन से 15 डेज का टाइम मिलता है भैया आपके पास, 15 दिन। आज हम आपको, मतलब हम छोटे से बिजनेसमैन हैं, हम क्या किए, सामान दे दिए, जिस दिन हम सामान बेच, मतलब तुम्हारे पास डिलीवरी पहुंच गया, उस दिन से 15 डेज काउंट होगी। इस 15 डेज के बाद, मतलब 15 डेज के अंदर अगर बायर ने कोई भी रिटर्न में कंप्लेन नहीं किया है, तो वो 15 डेज के बाद का जो डेट आएगा उस दिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा, मीन्स वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया गया है बाई द बायर। ओके, नाउ क्वेश्चन आता है भाई, डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है? ऐसा कब है क्या जब हम लोग इसको मान लेंगे कि एक्सेप्ट हो गया है? सॉरी, एक चीज़ और इसमें बताना था, वेयर द ऑब्जेक्शन इज मेट, एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था इसमें। अगर जिस दिन मैंने सामान आपको दे दिया, आई एम अ स्मॉल एंटरप्राइजर, छोटा सा बिजनेस है मेरा, हम अपना गुड्स डिलीवर कर दिए, जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन से 15 डेज के अंदर तुमको, मतलब 15 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड डीम्ड एक्सेप्टेंस। 15 दिन तक अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया उसको बोलेंगे डीम्ड एक्सेप्टेंस, 15 डेज के बाद उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कोई भी इशू आ जाता है मेरे पास, तो वो इशू जिस दिन सॉल्व करेंगे, लाइक तुमने 11 दिन के बाद मेरे को बोला कि भैया सामान ख़राब है, मेरे को रिप्लेस करना होगा, हम सामान देखे, हमको लगा सच में प्रॉब्लम है, हम उसको रिपेयर वगैरह जो भी करवा दिए एंड उसको दे दिए। अब जब रिपेयर, जब प्रॉब्लम डिस्प्यूट जिस दिन सॉल्व हो जाएगा ना, उस डिस्प्यूट के सॉल्व होने के बाद 15 डेज काउंट करेंगे एंड उसके बाद का जो डेट आएगा उस दिन को मानेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, उस दिन वो सामान एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखो लिखा हुआ है वर्ड्स में, वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन रिटन बाई द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस द डे विच सच ऑब्जेक्शन इज रिमूव बाई द सप्लायर, जिस दिन ये प्रॉब्लम रिमूव कर दिया गया उस दिन के बाद ये वाला एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है बायर, रिजर्व बैंक का ना रिजर्व बैंक जो भी रेट प्रेस्क्राइब किया गया उसका 3 times बैंक रेट का 3 times अमाउंट, आई मीन इंटरेस्ट लगेगा उस सामान के ऊपर अगर बायर टाइम पे नहीं करता है तो। ओके, आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो PDF डाउनलोड करो, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट, और एक पॉइंट पे आता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसके अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो फ्लो चार्ट बना के दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल की पूछा जाता है, ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए। माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब कहता है, पहले तो हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब होता है जहाँ पे 25 लाख रुपया तक का 25 लाख रुपीस तक का एसेट्स है। स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब होता है वो एंटरप्राइज जिसके पास 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम के एसेट्स हैं, वो बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। मीडियम का मतलब होता है जिनके पास 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, ये लिमिट्स याद होने चाहिए एग्जाम के दिन। सर्विस सेक्टर का बात करें तो सर्विस सेक्टर का बात करते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 10 लाख रुपीस तक की एसेट्स होनी चाहिए, 10 लाख रुपये तक का इक्विपमेंट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा, इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी था। स्मॉल एंटरप्राइज का बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा बट लेस देन 2 करोड़ रुपीस। मीडियम एंटरप्राइज का बात करें तो 2 से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, ये लिमिट्स याद होने चाहिए। एंड यही चीज़ सेम ज्ञान यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंटरप्राइज के अंदर जो मीडियम एंटरप्राइज का माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, लगभग ये सब कुछ सेम ही आपको मिलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया कि उस सेक्शन के उस जगह पे क्लॉज वगैरह मेंशन कर दिया गया, जाके वहाँ से देख लेना है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज में वही वाला इन्फॉर्मेशन दिया है, यू हैव टू रीड दिस, ये याद होना चाहिए, कोई उपाय नहीं है इसके बाद ये बना। सप्लायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है,
कॉरपोरेशन बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं वो भी चलेंगे, कोई अदर कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी कॉरपोरेट, कुछ भी जो कि सामान लेते हैं, बनाते नहीं है, सामान लेते हैं, किन से लेते हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है उन लोगों से सामान लेते हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। मतलब हम एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, माइक्रो स्मॉल माइक्रो एक छोटी सी बिजनेस, एक छोटी सी फॉर्म है जो माइक्रो इंडस्ट्री बोल सकते हैं वो है, वहाँ से हम सामान लेके उसको सेल कर देते हैं, तो हम भी सप्लायर के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, बिकॉज हम सामान मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, वो स्मॉल वाला कर रहा है एंड उससे हम सामान ले रहे हैं, तो हम भी इसके अंदर सप्लायर ट्रीट किए जाएंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली प्रमोट करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रमोशन होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, GDP वगैरह सब कुछ ग्रो होगा, तो समझ रहे हैं ना। चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आते हैं अपॉइंटेड डेट, एक वर्ड आता है अपॉइंटेड डेट, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। डिफाइन द टर्म अपॉइंटेड डेट मीन्स द डेट फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन गुड्स एक्सेप्ट हो गया है उसके 15 दिन के बाद, जस्ट आफ्टर, कहाँ गया वर्ड, इमीडिएटली तुरंत आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज ऑफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन वो एक्सेप्ट हो गया उसके 15 दिन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, उस वो दिन आ गया अपॉइंटेड डेट, ठीक है। या फिर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो डीम्ड एक्सेप्टेंस होगा, डीम्ड एक्सेप्टेंस मतलब 15 दिन के बाद उसको मान लेते हैं एक्सेप्ट हो गया है, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जिस दिन गुड्स दिए, कोई डिस्प्यूट आया उसको रिजॉल्व कर दिए एंड सॉरी रिजॉल्व कर दिए उस दिन, जिस दिन रिजॉल्व हो गया एंड फिर वो बन जाता है हमारा एक्सेप्टेंस, एंड अपॉइंटेड डेट का मतलब वो एक्सेप्टेंस होने के 15 दिन का और वेट कर लेंगे एंड फिर उसको बोलेंगे हम लोग का अपॉइंटेड डेट आ गया है। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज का मतलब होता है वो सभी कुछ जो भी प्रोडक्शन वगैरह में है, कहाँ गया वेट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं गुड्स वगैरह को, स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ये शेड्यूल वर्ड याद होना चाहिए, कौन से शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया है ये आपको लिखना होगा, कोई उपाय नहीं है, ये वर्ड टू वर्ड छापना होता है, ये वाला वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, कौन से शेड्यूल के अंदर है, कौन से एक्ट के अंदर बताया गया है, क्लियर, वो लिखते ही 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी कमेटी है इसके अंदर जो कि आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि वो कमिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी कंपोजिशन है, नेशनल है, स्टेट लेवल पे है, एडवाइजरी बोर्ड है, तो वो सभी चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन रीड जस्ट वंस, बिकॉज 3 मार्क्स से 4 मार्क्स, 3-4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन कर लेने से काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके सामने। सो ये एकदम छोटा सा चैप्टर था, आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर मैं सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया तो बहुत टफ हो जाएगा चैप्टर, भारी हो जाने वाला है, सो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो होप ये चैप्टर समझ में आया हो, ये प्रॉब्लम जो भी कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया हो, और अगर हो गया है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इवन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, बता सकते हैं कि भैया क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, कैसे और अपग्रेड कैसे करें, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है, तो सीखने का टाइम है, सिखा दो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो करके जाना, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम एक बार मैसेज कर देना, कोई अभी अपग्रेड कुछ अच्छा कुछ और सजेशन देना हो तो ऐसा भैया सजेशन दे देना मेरे को। ओके बाय।